क्वेश्चन नंबर 12 शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस 4 एन प्लस 8 एन प्लस 12 एंड एन प्लस 16 इज डिविजिबल बाय 5 वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये दिखाना है कि इन पांच में से कोई एक ही होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा वी है, हम लोगों को क्या पता है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। यहाँ पर हम ए को सपोज कर लेते हैं एन, क्योंकि एन दिया है क्वेश्चन में तो एन को ही लेके चलेंगे, और बी इज इक्वल 5 है, डिविजिबल बाई 5 बोला गया है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी। इसलिए आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल 5 क्यू और प्लस आर, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा बट लेस देन 5 होगा। देयरफोर आर की जो वैल्यूज हैं पॉसिबल 0, 1, 2, 3 और 4 होंगी। सीधी सी बात है, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 तक आ सकता है। तो बात करेंगे केस नंबर 1 की। केस 1 आप लिखेंगे when r is equal 0, r is equal 0, तो सबसे पहला जो है वो है n, n is equal कितना आ जाएगा 5 क्यूब आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू तो 0 रखनी है। सेकेंड है n plus 4, ये आ जाएगा 5 क्यूब प्लस 4, और इसके बाद है n प्लस 8, ये आ जाएगा 5 क्यू प्लस 8, जिसको आप लिख सकते हैं 5 क्यू प्लस 5 प्लस 3, आप 5 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा q प्लस 1 और प्लस 3, n प्लस 12 और n प्लस 16 और n प्लस 16, ये पांच वैल्यू हो गई आपकी। तो यहाँ पर आप लेंगे 5 क्यूब प्लस 12, 5 क्यूब प्लस 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, 5 कॉमन लेने पर q प्लस 2 और प्लस 2, 5 क्यूब प्लस 16 या 5 क्यू प्लस 15 प्लस 1 ले सकते हैं, 5 कॉमन लिया q प्लस 3 प्लस 1। आप ध्यान दें इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 बचेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यही केवल एक केस है जो कि डिविजिबल बाई 5 होगा, पांच में से कोई एक होगा डिविजिबल बाई 5, तो ये वाला केस है जो सबसे पहला है। चलिए बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 बच्चों, केस नंबर 2 में व्हेन आर इज इक्वल 1, व्हेन आर इज इक्वल 1, तो सबसे पहले n इज इक्वल हो जाएगा, आपने 5 क्यू प्लस आर लिया था तो 5 क्यू प्लस आर 1 लिया है। सेकेंड है n प्लस 4, उसके बाद n प्लस 8, उसके बाद n प्लस 12 और लास्ट में n प्लस 16।
अब यहाँ पे ध्यान दें, 5q प्लस 1 n की जगह 5q प्लस 1, 5q प्लस 1, 5q प्लस 1, और इसमें 4 और ऐड होगा, 8, 12 और 16। आप ध्यान दें 5q प्लस 5, 5 कॉमन ले लिया तो q प्लस 1 बचेगा। 5q प्लस 8 और 1 9, इसको लिख सकते हैं 5q प्लस 5 प्लस 4, 5 कॉमन लिया q प्लस 1 प्लस 4, 5q प्लस 12 1 13 को लिख सकते हैं 10 प्लस 3, 5 कॉमन q प्लस 2 और 3, 5q प्लस 17 को लिख सकते हैं 15 प्लस 2, 5 कॉमन q प्लस 3 और आप ध्यान दें इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 2। केवल यही अकेला केस है जो डिविजिबल बाय 5 होगा, और यही आपको शो भी करना था कि पांच में से कोई एक होगा जो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस 3 बच्चों यहां पे लेंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू, क्या क्या वैल्यू है, एन को लेना है, एन प्लस 4 है, एन प्लस 8 है, एन प्लस 12 है और एन प्लस 16 है। यहां पर अब एन इज इक्वल हो जाएगा 5q प्लस 2, 5q प्लस 2, 5q प्लस 2 प्लस 4, 5q प्लस 2 प्लस 8, 5q प्लस 2 प्लस 12, 5q प्लस 2 प्लस 16। यहाँ हो जाएगा 5q प्लस 4 टू 6, 6 इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1, 8 टू 10, 5q प्लस 10, 5q प्लस 14 को लिख सकते हैं 10 प्लस 4, 5q प्लस 18 को लिख सकते हैं 15 प्लस 3, 5 कॉमन q प्लस 1 और प्लस 1, 5 कॉमन q प्लस 2, 5 कॉमन q प्लस 2 प्लस 4, 5 कॉमन q प्लस 3 प्लस 3। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 3। केवल यही एक केस है जो डिविजिबल बाय 5 होगा, और एक केस ही आपसे बोला गया था कि डिविजिबल बाय 5 होगा। अब केस नंबर 4 की बात करेंगे। केस 4, व्हेन आर इज इक्वल 3, व्हेन आर इज इक्वल 3, तो एन की वैल्यू आपको लेनी है, एन प्लस 4, एन प्लस 8, एन प्लस 12 और एन प्लस 16। यहां पर आप एन की वैल्यू आएगी 5q प्लस आर, यानी 5q प्लस 3, ये हो जाएगा 5q प्लस 3 प्लस 4,
फाइव क्यू प्लस थ्री प्लस एट, फाइव क्यू प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व, फाइव क्यू प्लस थ्री प्लस सिक्सटीन। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव क्यू प्लस फोर थ्री सेवन, इसको फाइव प्लस टू लिख सकते हैं, फाइव को मल्टीपल बनाना है। फाइव क्यू प्लस एट थ्री इलेवन को लिख सकते हैं, टेन प्लस वन। फाइव क्यू प्लस फिफ्टीन, फाइव का मल्टीपल आपको लेना है। फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन थ्री नाइनटीन को लिख सकते हैं, फिफ्टीन प्लस फोर। फाइव कॉमन, क्यू प्लस वन प्लस टू, फाइव क्यू प्लस टू प्लस वन, फाइव क्यू प्लस थ्री, फाइव क्यू प्लस थ्री प्लस फोर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे फाइव से तो रिमाइंडर थ्री बचेगा, रिमाइंडर टू बचेगा, रिमाइंडर वन बचेगा, रिमाइंडर फोर बचेगा। केवल यही एक केस है जो डिविजिबल बाई फाइव होगा है। केस नंबर फाइव, व्हेन आर इज इक्वल फोर, तो जरूरत एन की है, एन प्लस फोर, एन प्लस एट, एन प्लस ट्वेल्व, एन प्लस सिक्सटीन। तो यहाँ पर एन जो कि फाइव क्यू प्लस आर है, तो फाइव क्यू प्लस फोर हो जाएगा और फोर वैल्यू और बढ़ेगी। फाइव क्यू प्लस फोर प्लस एट, फाइव क्यू प्लस फोर प्लस ट्वेल्व, फाइव क्यू प्लस फोर प्लस सिक्सटीन। बच्चों इसको लिख सकते हो फाइव क्यू प्लस एट को लिख सकते हो फाइव प्लस थ्री। आप ध्यान दें फाइव कॉमन, क्यू प्लस वन और बचेगा थ्री। यहाँ पर फाइव क्यू प्लस ट्वेल्व को टेन प्लस टू लिख सकते हैं, फाइव कॉमन, क्यू प्लस टू बचेगा टू। फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन को लिख सकते हैं, फिफ्टीन प्लस वन, फाइव कॉमन, क्यू प्लस थ्री और वन। फाइव क्यू प्लस ट्वेंटी, फाइव कॉमन, क्यू प्लस फोर। बच्चों जब आप डिवाइड करेंगे फाइव से तो यहाँ रिमाइंडर फोर आएगा, रिमाइंडर थ्री आएगा, रिमाइंडर टू आएगा, रिमाइंडर वन आएगा। ये ऐसा है जो पूरी तरह से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय फाइव। बच्चों आपसे क्वेश्चन में पहले ही कहा गया था कि पांच में से कोई एक होगा जो डिविजिबल होगा फाइव से, तो प्रूव हो गया ये क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, प्रूव दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस टू एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाई थ्री वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, हम लोगों को पता है एन इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन बी। हियर पी इज इक्वल आपको थ्री दिया गया, क्योंकि थ्री से डिविजिबल बाई बोला गया। बच्चों ध्यान दें एन इज इक्वल थ्री क्यू प्लस आर हो जाएगा, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन थ्री। तो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी जीरो, वन और टू होंगी। अब यहाँ पर बात करेंगे केस नंबर वन की, तो आप यहाँ लिखेंगे केस वन, व्हेन आर इज इक्वल जीरो,
आर इज इक्वल जीरो। बच्चों यहाँ मिलेगा एन इज इक्वल, दूसरा आपको लेना है एन प्लस टू और एन प्लस फोर। तो एन थ्री क्यू प्लस आर था, जीरो रखा तो थ्री क्यू मिलेगा, थ्री क्यू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस फोर जिसको आप लिख सकते हैं थ्री क्यू प्लस थ्री और वन, थ्री कॉमन तो टू प्लस वन और बाहर। जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाई थ्री। यहाँ रिमाइंडर टू बचेगा, यहाँ रिमाइंडर वन बचेगा। बात करेंगे केस नंबर टू की। वैसे भी आपसे कहा है केवल एक केस होगा जो डिविजिबल होगा, तो केस नंबर टू। बच्चों ध्यान दें, व्हेन यहाँ पर लेंगे आर इज इक्वल वन, एन इज इक्वल थ्री क्यू प्लस आर यानी थ्री क्यू प्लस वन हो जाएगा, एन प्लस टू चाहिए, एन प्लस फोर चाहिए, ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू यानी थ्री क्यू प्लस थ्री, थ्री कॉमन लिया क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस वन प्लस फोर ये हो जाएगा थ्री क्यू, फोर प्लस वन फाइव को लिख सकते हैं थ्री प्लस टू क्योंकि थ्री का मल्टीपल बनाना है, थ्री कॉमन लिया प्लस टू बचेगा। बच्चों जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर वन रिमाइंडर टू, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाई थ्री। अब बात करेंगे केस नंबर थ्री की, केस थर्ड। बच्चों यहाँ पर आप लेंगे आर की वैल्यू टू, व्हेन आर इज इक्वल टू, व्हेन आर इज इक्वल टू, एन इज इक्वल थ्री क्यू प्लस आर टू हो जाएगा, एन प्लस टू चाहिए, एन प्लस फोर चाहिए तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस टू प्लस टू, थ्री क्यू प्लस टू प्लस फोर। बच्चों इसको लिख सकते हो थ्री क्यू, फोर को लिख सकते हो थ्री प्लस वन, थ्री कॉमन क्यू प्लस वन हो जाएगा और प्लस वन, थ्री क्यू प्लस सिक्स, थ्री कॉमन क्यू प्लस टू। जब थ्री से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर टू रिमाइंडर वन, लेकिन ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो डिविजिबल बाई थ्री। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, और इस तरह से आप केसेस शो करेंगे।